IVF एक खेती के बराबर होता है, जैसे खेती में मैंने 10 बीज दे दिए, 10 के 10 तो नहीं उगने वाले, उसमें से 7-8 में से फल उगेंगे, 3-4 में से नहीं उगेंगे। तो वो ही सेम हम भी बचदाने में खेती कर रहे हैं, वी एज IVF इट्स द सेम थिंग, हम एम्ब्रियो डाल। अब फेलियर में 4 मेजर कारण है फेलियर के। अगर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं IVF फेलियर के, तो हम वो 4 कारण को ढूंढना शुरू करते हैं कि क्या रीजन हो सकता है क्यों प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है। सबसे पहला रीजन हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक रीजन। एम्ब्रियोनिक का मतलब जो एम्ब्रियो अंडा और स्पर्म मिला के जो बेबी बना है, वो बेबी में कुछ प्रॉब्लम होती तभी प्रेगनेंसी नहीं होती। 80% रीजन वो है, वर्ल्ड वाइड 80% कॉज वही होता है कि एम्ब्रियोनिक रीजन, या तो एग में प्रॉब्लम है या स्पर्म में प्रॉब्लम है या दोनों में प्रॉब्लम, जिस वजह से जो एम्ब्रियो की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें डिटेल्ड लेडी को देखना पड़ता है कि भी क्या क्या उसको पहले ट्रीटमेंट हुआ है, उसके एग बनने के कौन से इंजेक्शन लगे हैं, क्या उसको कुछ हम बदल सकते हैं जिससे चांसेस बढ़ जाए, एग की क्वालिटी या एम्ब्रियो की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकते हैं, वो देखते हैं। दूसरा रीज़न है यूट्रस, बच्चेदानी, ज़मीन, जहाँ पे बीज होना है वो ज़मीन ही अगर ठीक नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो दूसरा रीज़न बच्चेदानी है। बच्चेदानी की जो लाइनिंग है, जो वो कभी कभी किसी की बहुत थिन होती है या बहुत थिक होती है, एक एडिक्वेट लाइनिंग होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं कि लाइनिंग में प्रॉब्लम है, अंदर बच्चेदानी आपस में, पहले अबॉर्शन की हिस्ट्री है तो क्या होता है बच्चेदानी आपस में चिपक जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे पुरानी घास या पत्ते या रोड़े होते हैं अंदर ज़मीन में, वैसे ही अंदर वो पुराने इन्फेक्शन की वजह से सारा कुछ चिपका होता है। तो हिस्टेरोस्कोपी करके एक सिंपल टेस्ट है जिसके थ्रू हम अंदर दूरबीन डाल के देख लेते हैं, देखते हैं कि बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो हम उसको उसी समय ठीक कर लेते हैं और फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा रीज़न है इंसान का शरीर, लेडी जिसमें प्रेगनेंसी हम डाल रहे हैं, जिसमें हम एम्ब्रियो डाल रहे हैं, तो उसमें क्यों नहीं प्रेगनेंसी हो रही। हो सकता है कभी कभी पेशेंट्स को शुगर होता है, थायराइड होता है, ब्लड प्रेशर होता है, या कई बार हमारे अपने की बॉडी, अपनी ही बॉडी के सेल्स, जैसे नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, अगर हमें खांसी होती तो हर बार हमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज हमारे बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स है, लेकिन कभी कभी वो सेल्स इतने बढ़ जाते हैं कि वो अपनी ही बॉडी के सेल्स को एबनॉर्मल या फॉरन समझ के उसको डिस्कार्ड करना शुरू करते हैं। तो कई इस लेवल के टेस्ट करके देखने पड़ते हैं कि भी क्या हमारा शरीर तो नहीं ख़राब है जिसमें कुछ छोटी मोटी इश्यूज़ है और हम उसको सिंपल इलाज के द्वारा प्रेगनेंसी हो सकती है। अच्छा, दूसरी एंड फाइनल फोर्थ चीज़ जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते कि IVF लैब, जहाँ पे बेबी की तैयार हुआ है, जैसे ऑलमोस्ट 5 डेज तक एम्ब्रियो बाहर रहता है IVF लैब में, वहाँ का इंक्यूबेटर्स कैसे है, क्या वो इंक्यूबेटर्स की क्वालिटी अच्छी है, एयर AHU होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, क्या वहाँ पे एक अच्छा AHU है, क्या वो फिल्टर्स चेंज होते हैं, जैसे अब हम लोग हर 3 मंथ्स में भी चेंज द फिल्टर्स, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, पर वो तभी कर पाओगे जब हम अच्छा नंबर ऑफ IVF साइकिल्स करते हैं और हम अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं, एम्ब्रियो की क्वालिटी तक ही अच्छी हो। तो एक अच्छे IVF लैब जिसमें एक अच्छा सा इंक्यूबेटर्स सारे अच्छे क्वालिटी के हो, लेटेस्ट ICSI, IMSI, PICSI, ये जो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज है वो हो, और वहाँ पर अगर हम प्रेगनेंसी करें या वहाँ पर अगर हम करें तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आखिर में मैं एक यही बात बोलना चाहूँगी कि IVF एक या IVF क्या इन्फर्टिलिटी एक ये चीज़ है जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे का साथ दें, पेशेंस रखें, एक दूसरे को ब्लेम गेम ना करें। कई बार एक हम कहते हैं कि तेरे में गलती है, वो कहता है कि तेरे में गलती है, ऐसे लड़ाइयाँ करने से कभी प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है, पूरा साथ दें एक दूसरे का, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा चांसेस है। साइंस ने बहुत प्रोग्रेस किया है, लेकिन सही टाइम पर सही इलाज करना, प्रोफिलैक्सिस जिसको हम कहते हैं कि पहले सही टाइम पर कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी सबको कि आप पेशेंस रखो और चांसेस प्रेगनेंसी के डेफिनेटली अगर हम इलाज टाइम पे करवाएं तो अच्छे हैं।